بسم الله الرحمن الرحيم हजरात बर सगीर में ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में आज अल्लाह के फजल करम से बातिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि बातिल के वो सरपरस्त वो कायदीन जो अपने मसलक के दिफा के लिए सुबह शाम मेहनत किया करते थे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन उनकी समझ में आता है तो वो अपने बातिल अकायद से तौबा करके कुरान और सुन्नत की शाहराहों पर आज अल्हम्दुलिल्लाह नूर तौहीद की शमा जलाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है कि यहाँ जद्दा में हमें ऐसी शख्सियात से मुलाकात का शर्फ हासिल होता है जिन शख्सियात से अगर हम अपने मुल्कों में बैठकर मिलना भी चाहें तो शायद नामुमकिन सी बात हो। चूंकि जद्दा शहर को बलदुल हरमैन शरीफैन का दरवाज़ा कहा जाता है और यहाँ हर उस शख्स से अल्लाह के फजल करम से मुलाकात बहुत ही आसानी से हो जाती है जो कि यहाँ पर उम्रे की सआदत या हज की सआदत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हमारे दरमियान आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि आई तो उम्रे की अदायगी के लिए है, लेकिन हमारे अख्वान ने अबू माजिद ने और अबू अम्मार ने अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जज़ाए खैर दे शेख से मुलाकात की और शेख से तलब किया कि जो शेख की जिंदगी में तब्दीली जो वाक़ हुई है वो हम आपको इस सीडी या इस कैसेट के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें ताकि आप भी उन तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करके कुरान और सुन्नत के मनहज को इख्तियार कर सकें। हम सबसे पहले अपने भाई शेख सैफुल्ला मुल्तानी का इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि शेख अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सही को और आपके उम्रे को कबूल फरमाए। मोहतरम भाई अकिल साहब और दीगर मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मजलिस पर जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने हक का पैगाम पहुँचाने के लिए ये मजलिस का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया पर नूर हक को फैलाए, ये मेरी दुआ है। मेरा नाम सैफुल्ला खालिद है और मेरी उम्र इस वक्त 43 साल से शायद ज़ायद हो, इसलिए तबलीगी सरगर्मियों में रहा हूँ। तबलीगी जमात में भी मैंने वक्त लगाया है और वैसे जो बरे सगीर के अंदर पाक हिंद के अंदर एक दावत तबलीग का तरीक़ाकार होता है स्टेज पर जलसों में तकरीर करना, तो ये भी मैं करता रहा हूँ, इसलिए कि मेरे वाले साहब बरे सगीर के मशहूर आलिम हैं अलामा अहमद जीन खान साहब मुल्तानी और उनका एक हल्का अहबाब इतना वसी है, लाखों की तादाद के अंदर है, तो हमारा स्टेज बहुत बड़ा वसी था तो मैं वहाँ तकरीरें करता रहा हूँ। उनके अकीदे में सिर्फ यही खराबी आपने देखी या कुछ और खराबी भी आपने देखी जो कि आप आज अहले हदीस होने के बाद लोगों को बताना चाहते हो? पहली वजह तो ये है कि हमारा जो अकीदा है ना ये किराए का है, आनाफ का, इसलिए कि आनाफ जो है वो अकीदतन अबू मंसूर मातुरीदी के मुकल्लिद हैं, अकायद के अंदर आमाल अहकाम के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं, तो मैं सोचता था कि हमारे इमाम के जो हैं जिसके हम मुकल्लिद हैं उनसे हमें आमाल अहकाम तो मिलते हैं लेकिन अकीदत हमें किसी और से लेना पड़ता है, तो इमाम तो वो होना चाहिए जिससे हमें अकीदे से लेकर अमल तक, फ़र्ज से लेकर सुन्नत और मुस्तहब तक तमाम आमाल मिले। अकायद के एतबार से हम चूंकि देवबंदी हैं और जितने देवबंदी थे जी। तो देवबंद जो है वो देवबंद हों या बरेलवी हों जितने भी हैं ये इब्ने अरबी के तसव्वुफ के अंदर मुरीद हैं और इब्ने अरबी जो है वो बहुत बड़ा सूफ़ी है और वहदतुल वजूद का कायल है। आप जानते हैं कि वहदतुल वजूद ही का वो नारा लगाया था मंसूर ने जिसे सूली पर लटकाया गया था, यानी वहदतुल वजूद का ये मतलब है कि हर एक चीज़ में अल्लाह की ज़ात है, यानी ये अल्लाह के तमाम रूप हैं, मैं हैं आप हैं मखलूक के अंदर जो भी है ये सब अल्लाह की शक्लें हैं, असल में सारी चीज़ एक है, यही उसने नारा लगाया था अनल हक का। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है कि मैं और आप सभी इलाह हूँ और मखलूक कोई हो ही नहीं, कोई माबूद हो ही नहीं, आप भी माबूद मैं भी माबूद दूसरे भी माबूद आबिद है ही नहीं, सारी मखलूक जो वो अल्लाह है, तो ये वो अकीदा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है।
और इसी अकीदे से जो है, चूंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियादी अकीदे के खिलाफ है, इसलिए मैंने इस अकीदे को तर्क कर दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या समझा करते थे और आज आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पहले हमारा उनके बारे में यही ख्याल था जैसे कि दूसरे लोगों को होता है कि वो मुज्तहिद हैं, इमाम हैं, और हम उनको इमाम आज़म कहा करते थे। और हमारा ये तसव्वुर था कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनका इज्तिहाद कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, यानी उनकी कोई इज्तिहादी बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। हाँ, हम ना समझ सकें तो अलहदा बात है, लेकिन उनकी हर बात कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। ये एक हमारा तसव्वुर यकीदा था, इसलिए कि बचपन से हमें जो है वो यही किताबें पढ़ाई जाती हैं और हम सिर्फ एक फ़िक़्ह हनफी ही को पढ़ते हैं और आखिरी साल के अंदर दौरा हदीस कराया जाता है। तो जहर बात है, एक आदमी जब 7 साल 8 साल एक फ़िक़्ह पर लगाता है तो 1 साल के अंदर उसे हदीस की कोई समझ नहीं आती। आपने हदीस की कौन कौन सी किताबों का मुताला किया है? मैंने दौरा हदीस मुकम्मल किया था, मुकम्मल जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन यूं समझ लीजिए कि ज़माना तालिब इल्म में हमारे जो मदारिस थे अनाफ के, उनके अंदर अहादीस का दौरा कराया जाता है साल के बाद, और वो भी किताब उस सलात तक चलता है कि चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नमाज मुहम्मदी और नमाज हनफी जो है इसमें इख्तलाफ है, 53 मसाइल का कम अज़ कम इख्तलाफ है नमाज मुहम्मदी और नमाज हनफी में। तो वो अहादीसें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की आती थी, हम उनके अंदर तावील करते थे, हेरा फेरी करते थे और अपने इमाम के कॉल के मुताबिक बनाने के लिए किसी को मनसूख कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो इस तरीके से हमने अहादीस पढ़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अहल हदीस हुए तो फिर नए सिरे से हदीस का मुताला किया, तो अब हमें पता चला है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या मुतालबा करती है। आपने भी फरमाया कि आप पहले हनफी होते हुए देवबंदी हुआ करते थे, जबकि देवबंद तो हिंदुस्तान में वाक़ है और आप पाकिस्तानी हैं, आप देवबंदी कैसे हो सकते हैं पाकिस्तानी होते हुए? जज़ाकअल्लाह। यही चीज़ है, ये एक मुसीबत है तमाम लोगों के अंदर कि हमने अपनी अपनी नस्बतें जो हैं वो अपने अपने अफराद और अपने बुज़ुर्गों और अकाबरीन से जुड़ी हुई हैं। चूँकि देवबंद का जो एक मखसूस ग्रोह है, उनके एक मखसूस नज़रियात हैं, हमारे असातज़ा हमारे आबाओ अजदाद उस नज़रियात के हामिल थे, तो इसलिए हम देवबंदी कहलाते थे। जैसे कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के नज़रियात के हामिल हैं वो अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं, और जो लोग उलमाए देवबंद के नज़रियात के हामिल थे वो देवबंदी कहलाते थे, तो इसलिए हम देवबंदी कहलाते थे। और उसके बाद अगर हमसे कोई पूछता तो हम मनफी कहलाते थे। वहदतुल वजूद के अकीदे के बारे में आपने फरमाया, इब्ने अरबी का वहदतुल वजूद का अकीदा आपने बयान फरमाया, और कौन सी ऐसी बुराई हनफी मजहब में आपने देखी जो कि जिसको आप बयान करना चाहेंगे? हनफी मसलक जो अब मुझे मालूम हुआ है, जैसे मैंने तअस्सुब किया ना कि और यूं समझिए कि अकीदत का लिबास उतार कर जब मैंने हिदाया पढ़ा है, पहले मैं हिदाया पढ़ाता रहा हूँ मियाँ वाली के अंदर, लेकिन उस वक़्त एक अकीदत की बुनियाद पर पढ़ाते थे, अब जो हिदाया पढ़ा है उसे तनकीद की निगाह से पढ़ा है। तो मसला के आनाफ जो है वो तकरीबन 2/3 से मैं अगर कहूँ तो ये इल्ज़ाम ना होगा कि वो अहादीस के खिलाफ है। जब आती तो एक हनफी आलिम होने के नाते मुझे मालूम था कि ये हदीस जो है हमारे मसलक अहनाफ के खिलाफ है, तो मैं लोगों को ये कह देता कि हदीस में तो ऐसा आया लेकिन हमारा मसलक अहनाफ का ये है। तो वहाँ एक नंबरदार साहब हैं चौधरी सिद्दीक साहब, जो उस मस्जिद के मोतबर नमाजी हैं, तो उन्होंने 3-4 मरतबा अपने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और वो कहने लगा कि ये हमारा मौलवी जो है ये अंदर से अहल हदीस है, इसलिए कि ये जब भी हदीस का दर्श देता है तो ये कहता है कि हदीस इस तरह है और हनफी इस तरह है, हालांकि मैं अंदर से कोई अहल हदीस नहीं था। ये एक ज़मीर था कि कैसे मैं कह दूँ कि रसूल सल्लम की हदीस गलत है, और एक तरफ तकलीद की जकड़बंदी थी कि मैं कैसे कह दूं कि इमाम साहब का कौल गलत है। तो उन दोनों की कशमकश में हमें अपने नमाजियों को मुतमैन करना होता था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन इकराम, चूंकि मैं आप हजरात की यहाँ तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं शेख से ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ ये कहने से बात शायद नहीं बनेगी कि हनफी मजहब कुरान सुन्नत के खिलाफ था, आप हमें हमारे नाज़रीन के बारे में ये मिसाल देकर फरमाइए कि कोई मसला जो हनफी मजहब का कुरान सुन्नत के खिलाफ था उसको बयान कीजिए, और हनफी मजहब क्यों कर आपने आप उसको देखते हैं कि हाँ फला मसले में कुरान सुन्नत की मुखालफत कर रहा है।